आपने बुलाया? जी बांके की क्रेजी बारात ये प्रॉक्सी वेडिंग के ऊपर एक कॉमेडी फिल्म है जो कल 28 अगस्त को रिलीज़ हो रही है ऑल ओवर इंडिया। तो मैं कहना चाहूँगी कि सारे तो पहले ये फिल्म एंजॉय कीजिए, अच्छी कॉमेडी फिल्म है, फैमिली एंटरटेनर है और गाने भी बड़े अच्छे बने हैं। नॉट बिकॉज मैंने किया है पर सच में गाने बड़े अच्छे बने हैं। यू शुड ऑल गो एंजॉय एंड ऑल दिस। आई थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग योर टाइम एंड टेकिंग माई इंटरव्यू। जी जी पहले बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे प्रोड्यूसर अनीता मणि और डायरेक्टर एजाज जी का जिन्होंने मुझे पूरा एल्बम बनाने का मौका दिया है क्योंकि आजकल रैली ऐसा मिलता है। सो इन माई फर्स्ट फिल्म इटसेल्फ मुझे एक फिल्म के सारे गाने करने का मौका मिला है। तो इस फिल्म में एक तो टाइटल ट्रैक है जो बड़ी वैकी सी बड़ी कॉमिक कॉमेडी वाली है जिसमें हम पूरे कहानी दर्शाते हैं तो वो है। और एक है आइटम सॉन्ग है जिसमें वो जो है मतलब जो शादी से पहले सारे मेन फोक मज़े कर रहे हैं तो डांस देख रहे हैं ऐसे तो वैसा एक आइटम सॉन्ग है जो मैंने पर्सनली गाया है दांत सैया ने यूं गढ़ा है। और रोमांटिक ट्रैक है ये क्या हुआ है और दिस इज सूफ़ी सॉन्ग वेयर इमोशनल सीन है जहाँ पे वो चाह रहे थे कि सूफ़ी अंदाज में हो तो वो सूफ़ी ट्रैक है। और सबसे बड़ी एक क्रेज़ी बारात है तो बारात का गाना तो है ही शादी का गाना बेबी मॉडर्न मॉडर्न जो सोनू निगम ने गाया है सोनू जी और शिव रंजनी सिंह ने गाया। और ये जो रोमांटिक ट्रैक और सूफ़ी सॉन्ग है जहाँ तक आपने कहा एल्बम मैंने पूरा किया है तो रोमांटिक ट्रैक ये क्या हुआ है और सूफ़ी सॉन्ग दम अली जो है ये मैंने और मेरे सिंगर जो अभिषेक नैलवाल हैं हम दोनों ने मिल के लाइक को कंपोजिंग करके बहुत ही अच्छा किया। बाकी तो श्रेय पूरी टीम को जाती है क्रिएट करने में। सो भाई बताएं सिंगिंग में तो सारे बचपन से जितने हम जैसे कि हम क्लासिकली ट्रेन हैं तो क्लासिकल म्यूजिशंस जितने हैं और नॉन क्लासिकल जो भी अच्छा गाते थे उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। नॉट नेसेसरली एस्टैब्लिश्ड एंड लेजेंड्स तो सिखाते ही थे कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ वहाँ गा देते हैं उनसे भी कभी सीखने को मिलता है। सो इट्स अ लॉट आई हैव लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल हमारे सारे अच्छे जो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर्स हैं सबसे लेकर सारे गायकों से और म्यूजिशियन से मुझे मिला है प्रेरणा। या एज फॉर बॉलीवुड इज कंसर्न तो दिस इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट दिस विद बॉलीवुड लाइक एंडेवर विद बॉलीवुड। बॉलीवुड में मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो मैं क्लेम कर सकूँ जो एक दो किए हैं वो ऐसे आए नहीं। ये साउथ में कन्नडा फिल्म में किया है वहाँ मुझे अवार्ड भी मिला है वहाँ वर्क करने का तरीका। और साउथ इंडस्ट्री में आई ऑलमोस्ट वर्क विद ऑल दीज पीपल हु सिंग फॉर बॉलीवुड जैसे कि उदित नारायण जी हैं कैलाश खेर हैं और बंगाली फिल्म में शान के साथ है शंकर महादेवन जी हैं लेज़ली लुइस हरिहरन सबके साथ मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। सो दैट्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री दैट माइंडसेट थोड़ा अलग है बड़े एंड द रिक्वायरमेंट द मेलोडी स्टाइल्स दे आर ऑल डिफरेंट तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड इट्स जस्ट अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर मेकिंग म्यूजिक फॉर बॉलीवुड एंड ऑल्सो बींग अ सिंगर इन बॉलीवुड इज डिफरेंट चैलेंज। 90 का दशक था विलेसुर मेरा तुम्हारा जी जी शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने आपका ये गाना नहीं सुना हुआ जी, ये एंथम नहीं जी, सुना हुआ जी, जी, एक पहचान थी टीवी में जिन्हें चुने चैनल्स होते जी, थे जी, उसकी कितनी आपको पहचान मिली और वो कितना कैसा एक्सपीरियंस था? एक तो मैं कहना चाहूँगी जो पहला मिले सुर मेरा तुम्हारा है तब तो मैं बच्ची थी तब तो मैंने गाया नहीं था पर अब जब रिसेंटली अ फ्यू इयर्स बैक ये गाना बना था फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा जहाँ सारे स्टार्स हैं शाहरुख जी हैं सोनू निगम जी हैं और भी सारे बहुत बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं उसमें मुझे गाने का लुई बैंक जी के साथ काम करने का मौका मिला पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो जानता होगा कि मैंने किया है क्योंकि यहाँ क्रेडिट्स नहीं जाते हैं ना सिंगर्स के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं तो आपको कैमरा में दर्शा देते हैं। मैं बड़ी नहीं हूँ या मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है तो मुझे कोई कैप्चर करना नहीं चाहता है। आपने बड़े की बात की तो अभी तक सुना ए आर रहमान के साथ भी आप कुछ काम कर चुके हैं? नहीं ए आर रहमान जी के साथ काम करने की इच्छा रखते हैं
इलेराजा जी के साथ उनका एक लिटरेचर कॉम्पोजिशन था, उसमें किए हैं। रहमान जी का तो सबका सबका ड्रीम है। और बाकी नॉन फिल्म काफ़ी काम किए हैं, जिंगल्स काफ़ी किए हैं, ऑलमोस्ट 15 लैंग्वेजेस में मैं गा चुकी हूँ, एंड स्पीक 9 लैंग्वेजेस, आई एम अ लिंग्विस्ट। सबसे पॉपुलर कौन सा जिसमें आपकी एक पहचान बनी हो, विजय की पहचान? देखिए, जिंगल इंडस्ट्री में पहचान तो होती नहीं है, क्योंकि कोई अनाउंस नहीं करता ना संग बाय सो एंड सो, या तो फिर क्रेडिट में तो आते नहीं। पर मैं कह सकती हूँ बहुत सारे एड्स हैं। अब नाम लेना अलाउड है कि नहीं अलाउड? ऑल बिग ब्रांड्स, ऑल गुड ब्रांड्स। दिल के करीब कौन सी है? सुन, नाम लेना आपके दिल को जाकर। सो आई स्टार्टेड विद विको टर्मोइट, ना 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 ना। जब मैं आई थी नई नई मुंबई में तो हिंदी हो चुका था, बट आई गॉट टू सिंग ऑल द अदर लैंग्वेजेस। सो मोस्टली लैंग्वेज जहाँ भी होता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस हर जगह पे, लाइक बहुत सारे मैंने जिंगल्स किए हैं। जैसे वो है, फिर हल्दी या चंदन के गुन समाए संतूर, मैगी है, संतूर है, डिटॉल है, और ना रा 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 रा। सो यू नो आई डोंट हैव टू टेल यू द ब्रांड्स। सो इन सब के इतने सारे लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस में मैंने किए हैं, सो आई नो, एंड बस यही मेरा क्लेम टू फेम है। जब लोगों को बोलती हूँ तो वो रिलेट कर पाएंगे, हाँ हाँ ये तो चीज़ हमने सुनी है। अपकमिंग ऐसी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके बारे में बात करूँ। होपफुली ये मूवी जब रिलीज़ हो जाएगी कल, और ज़्यादा जैसे आप जैसे मीडिया लोग पहुँचाएंगे विजय शंकर को, जितनी दूर पहुँचाएंगे शायद उतने आप लोग ही हैं जो हमें सेलिब्रिटी बनाते हैं। सो यू आर द पीपल हु कैरी अस, हु गिव अस द नेम, हु गिव अस द फेम। सो थैंक यू ऑल। और मेरा यही कहना है, अगर चीज़ अच्छी है तो बेझिझक प्रमोट कीजिएगा, तभी बाकी की क्रेजी बारात और विजया शंकर और फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर और अच्छा म्यूजिक सब ऊपर आएगा। ज़्यादातर कोई आपका बेहतरीन गाना जो आपने गाया हो, या फिर जो भी आपका एक गाना बोलने का अपने फैंस के लिए, कोई सूफी के आपने बताया, सूफी के गाए, सूफी के इस फिल्म से, इस फिल्म से जो खाबों का सफीना मेरा मेरा मेरा, थाम लेना मौला जरा 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 जरा, मौसम ये हक में नहीं 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 नहीं, पल मुश्किलों से है भरा, पढ़ भी ले तू मेरी अर्जियाँ, जान ले अब मेरी मर्जियाँ, देख ले एक नज़र, कर दे आसान मेरा सफ़र, कर दे आसान मेरा सफ़र। मेरा सफ़र आसान करना बहुत ज़रूरी है, और इस फिल्म का चेक ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लिसन टू बेबी मॉडर्न मॉडर्न, ये क्या हुआ है, दांत सैया, दम अली एंड क्रेजी बारात, गो एन्जॉय द फिल्म, इट्स अ नाइस फन फिल्म, यू विल हैव अ गुड टाइम। थैंक यू ऑल द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैम, डू यू वांट टू गिव एनी मैसेज थ्रू मीडिया? किसके लिए? इन सिंगिंग इंडस्ट्री वांट टू गिव एनी मैसेज? मेरा यही मैसेज है कि आर्ट हम सबसे ऊपर है, हम में से कोई आर्ट के ऊपर नहीं है। ये चीज़ें थी, रहेंगी, मेरे जैसे विजया या जया जो भी हैं आएंगी, दे विल बी गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर गुड वर्क। पर अगर काम अच्छा है तो प्लीज़ उसको सराहिए, प्लीज़ उसको प्रमोट कीजिए, तभी और भी लोग आना चाहेंगे, सभी तभी सबके ड्रीम कम ट्रू होंगे, और पीपल वुड वॉन्ट टू परस्यू दिस प्रोफेशन। तो मैं चाहूँगी अगर ये चीज़ अच्छी है, वाकई बांके की क्रेजी बारात, ऑडियंस आई लीव इट टू यू, यू डिसाइड वेदर आई डिजर्व, और मैं जो कह रही हूँ वो सच है कि नहीं, आप डिसाइड कीजिए। गो ट्यून इन टू बाकी की क्रेजी बारात सॉन्ग्स, गो एंड वॉच द फिल्म, देन यू डिसाइड, यू गिव अ कॉल, क्योंकि आप लोग ही तो हमें सेलिब्रिटी बनाते हैं। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक आईडी लेना है।